वी कैन मस्ट मस्ट यूटिलाइज द A4 साइज पेपर बिकॉज दिस पेपर इज इजिली अवेलेबल एंड नॉट ओनली यू अदर फैमिली मेंबर ऑल्सो यूज दिस पेपर. ओके सो तो सो दैट आई शेयर वंस अगेन सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट प्रॉब्लम देन आई विल सॉल्व दैट बिकॉज यू मस्ट हैव द प्रॉब्लम्स. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम सो यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस विच इज आई एम गोइंग टू सॉल्व बिकॉज सम डायमेंशन आई वॉन्ट टू ask you okay during the sir which problem I share the screen na see my screen yes sir ha ye sheet number 4 mein se one first problem hai na sheet number ka second problem hai ye kaun se sheet number sheet number 4 सेट नंबर 4 का सेकंड प्रॉब्लम. ओके सर और क्या कहते हैं कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ था यूनिट टेस्ट नंबर 4 में भी आपका ये दिया हुआ था. मैंने ऑलरेडी बोला था कि यूनिट टेस्ट जो 4 होगा वो आपका सीट नंबर 5 सीट नंबर 4 से होगा. ठीक है ना. तो अभी क्या है कि अभी मैक्सिमम लोगों के पास क्या है कि लॉकडाउन की वजह से किसी के पास चार्ट नहीं है, किसी के पास ड्राइंग बुक नहीं है, क्योंकि ड्राइंग बुक है वो A3 साइज का होता है, मतलब साइज बड़ा होता है. और आपका क्या कहते हैं कि जो चार्ट होता है वो A2 साइज का होता है ना. तो साइज बड़ा होता है लेकिन क्या कहते हैं लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये A4 साइज इजीली अवेलेबल है. तो जब हम A4 साइज में ड्रॉ करते हैं तो हमको स्पेस की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब डायमेंशन प्रॉपर आ ही नहीं पाती है इसमें सीट में. तो हम क्या करेंगे रिड्यूस स्केल में बनाएंगे. तो जो भी स्केलिंग दी है उसको हम रिड्यूस कर लेंगे. तो अभी देखिए इस डायग्राम में आपका सबसे लॉन्ग लेंथ कितना दिख रहा है सेंटर टू सेंटर, मींस ये देखिए ये 90 है, ये सेंटर 1 और ये सेंटर 2. तो 90 जो है वो लॉन्गेस्ट लेंथ है. ठीक है ना. तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45. ओके और ये देखिए रेडियस कितने की है, ये रेडियस है 30 की. तो 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15. सो इसी फैशन में हम क्या कहते हैं रिड्यूस स्केल में ये ड्राइंग बनाएंगे. ठीक है ना. तो जो भी डायमेंशंस है उसको हम रिड्यूस स्केल में बनाएंगे ताकि आप छोटे पेपर में भी ड्राइंग प्रॉपरली बना सकें. ठीक है ना सर. तो हाँ बोलिए. हाँ सर वो मतलब हमें कल यूनिट टेस्ट में आया था उसका फर्स्ट प्रॉब्लम दिखाएंगे कैसे सॉल्व करके, ये हमें आता है. नहीं फर्स्ट प्रॉब्लम तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके भेजी हुई है ना बेटा, ये भी भेजा हुआ है ग्रुप में. पर वो तुम आपने भेजा है बट उसमें कुछ मेजरमेंट है ना वो फोटो में आए नहीं, मतलब क्रॉप हो गई. ओके, फिर से रीसेंट करेंगे. हाँ तो आपको अभी ये प्रॉब्लम बतानी है कि पहली प्रॉब्लम बतानी है? पहले अभी इसको ओपन किया तो पहले ये प्रॉब्लम बता देते हैं फिर दूसरी फर्स्ट प्रॉब्लम बताते उसके बाद. ओके सर. हाँ तो अभी क्या करना है आपको, ड्राइंग का सबसे पहला रूल क्या है, ड्रॉ दी एक्स वाई लाइन. ठीक है ना. तो हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. एक्स वाई लाइन विजिबल है सभी को, एक्स वाई. तो अभी यहां पे देखिए कि हमको इसका ड्राइंग नहीं बनाना है, ये जो कंप्लीट ड्राइंग है ये ड्राइंग नहीं बनाना है, ये जो सेक्शन वाला है इसका ड्राइंग बनाने का है ना. तो ये जो सेक्शनल व्यू है ये आपका किस में दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है ना. तो अभी देखिए यहां पे हमको सबसे नीचे बेस लाइन कितनी लॉन्ग होगी, ये 90 है और ये 30 है. तो 30 प्लस 90 कितना हो गया,
120, लेकिन हम रिड्यूस स्केल में बना रहे हैं, 1/2 स्केल में ड्रॉ कर रहे हैं, तो 120 का कितना हो जाएगा, 60। तो 60 का एक बेस लाइन हम एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अभी हम बना रहे हैं फ्रंट व्यू, सिक्सटी की लाइन ये ड्रॉ कर दिया हमने मैंने। अभी हाइट कितनी है, हाइट देखिए, हाइट है 10 और प्लस 50, देन हाइट इज 60। तो हम रिड्यूस स्केल में बना रहे हैं, तो 60 का हाफ हो जाएगा 30, देन हाइट हम 30 की बना देंगे। थर्टी की हाइट। और नेक्स्ट हाइट क्या है कि यहां पे, यानी इस एंड से कितना है, 25 ऊपर है, एक लेंथ है जो 25 ऊपर है। तो यहां पे क्या कहते हैं कि लाइन के साथ 25 है, तो उसको कितना लिखेंगे हम, 12.5। सर, यस अगर हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ किया तो हाँ, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करना है, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल में बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट एंगल में बनाना है। जब भी फर्स्ट एंगल में हम बनाते हैं ड्राइंग, तो क्या होता है, जो फ्रंट भी होता है ना, वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही बनता है, और जो मतलब टॉप भी एक्स वाई होता लाइन है वो को एक्स वाई ओवरलैप, लाइन के नीचे बनता है। एक्स वाई लाइन को ओवरलैप किया तो नहीं, एक्स वाई लाइन को ओवरलैप करेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ना। एक्स वाई लाइन के ऊपर जब हम बनाते हैं, तो पर्टिकुलर कंडीशन रहती है, एक्स वाई लाइन को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। वो ओवरलैपिंग की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये आपका फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है, इसलिए एक्स वाई लाइन को सेपरेट छोड़ते हैं। जब भी हम क्या कहते हैं कि वो ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड या फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, तो वो गिवन रहता है। क्या गिवन रहता है, लाइन इज ऑन द एचपी आर ऑन द बीपी। जब ऐसा कंडीशन आता है, उस केस में जो पर्टिकुलर एज या लाइन रहती है, वो एक्स वाई लाइन के ऊपर आती है, ठीक है ना। अभी अगर हम एक्स वाई लाइन के ऊपर ही ड्रा करेंगे, यानी इसको ओवरलैप कर देंगे, तो क्या होगा, कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड। हाउ वी विल ड्रा इट इज फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ओके। तो डिफिनीशन क्या है कि अगर हम फर्स्ट एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो फ्रंट व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा, और अगर क्या कहते हैं कि हम थर्ड एंगल या थर्ड कोऑर्डिनेट में ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा जो टॉप व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर रहेगा, अबव द एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे अभी कितना है, ये अभी ये आप देख रहे हैं, आप सभी लोगों के पास डायग्राम है, तो ये 25 mm की लेंथ जो दिया है, डायग्राम सभी के पास है ये जो मैंने ओपन किया यस सर, है। हाँ, तो मैं इसको क्या कहते हैं कि अपना जो शेयरिंग है वो क्लोज करता हूँ, देन आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दो स्क्रीन एक साथ देखने पे कंफ्यूजन होता है। तो अभी आप सभी लोग मेरे जो कैमरा है उसको पिन कर लीजिए, तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो अभी जो नेक्स्ट हाइट है, देखिए, एक एंड पे तो कितना था, 60 था, तो हमने कितना कर दिया, 30, ओके। थर्टी दूसरे एंड पे कितना है, 25 है, तो देन 25 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 12.5। तो हम 12.5 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर। सर, एक्स वाई लाइन को पैरेलल वो लाइन वो कितने है सेंटीमीटर की, सॉरी एमएम। ये जो लाइन है, ये लाइन है आपकी, यस सर, टोटल टोटल कितनी हुई थी, देखिए 90 प्लस 30 कितना हुआ,
90 प्लस 30 कितना हुआ, 120। 120, 120। हाँ तो 120 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम किस स्केल में बना रहे हैं, 1:2 के स्केल में बना रहे हैं, तो जो भी डायमेंशन रहेगी उसको हम 2 से डिवाइड करके लेंगे, तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, पेपर के साइज का प्रॉब्लम, स्पेसिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हम A4 साइज में भी बनाते हैं तो। अभी क्योंकि कल एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम आया था कि सर जो ड्राइंग है वो शीट में नहीं आ पा रही है, स्पेस कम पड़ रहा है, तो जब स्पेस कम पड़ रहा है मींस स्पेस कम है तो हम रिड्यूस स्केल में बनाते हैं, तो वो रिड्यूस स्केल में आपको बता रहा हूं, तो हो गया 120, तो 120 से हम 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 60, तो इधर हम 60 का यूज कर लेंगे, मींस ये जो आपका लेंथ है वो कितना है, 60 की लेंथ है। ओके तो ये आपकी 60 की लेंथ है, देन ये आपका टोटल 60 था यहां से यहां तक, ये देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि हम ये जो लाइन है कितने की ड्रॉ किया है, 30 की, लेकिन यहां पे 30 नहीं लिखेंगे, यहां पे 60 ही लिखेंगे, केवल स्केलिंग दिखाएंगे कि जो स्केलिंग है वो 1:2 का है, 1:2 की है, डायमेंशन जो भी आपके क्वेश्चन में गिवेन है वही सारी डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे, डायमेंशन रिड्यूस नहीं करेंगे कि हमने 30 की लिखा है, ये 30 की लाइन ड्रॉ किया है तो यहां पे 30 लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपका 60 है और आपने 1:2 के स्केल में इसको ड्रॉ किया है, ओके तो इट इज मस्ट बी 60 हियर, तो आपको 60 ही लिखना है, 30 नहीं लिखने का है, बस आपको डिफाइन करते समय जहां पे इनिशियल कंडीशन देते हैं ना, योर नेम, योर रोल नंबर, और किस एंगल में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बना रहे हैं, और किस स्केल में बना रहे हैं, व्हाट इज दी स्केल, तो वो स्केल की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 1:2, मींस जो भी यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है वो एक्चुअल में हाफ में ड्रॉ किया गया है, अगर यहीं पे 1:4 होता तो ये कितना हो जाता, 15 mm का, और 15 mm का होने के बाद भी हम कितना लिखते, लिखते 60 ही, ओके सो ये आपका 60 है, एंड दिस इज योर 120 mm, दिस इज योर 120 mm, ओके तो यहां से हमको कितना ड्रा करना है, 12.5, सो दिस इज 12.5, ओके सो नेक्स्ट इज इंटरनल डायमीटर कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर है 15 R का, इस एंड पे एक्सटर्नल डायमीटर है 15 R का, तो कितना हो जाएगा ये, 7.5, तो 7.5 का एक इधर हम 7.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके फिर 20 mm डायमीटर का सेमी सर्कल है, तो 20 mm का है तो उसको बनाएंगे हम 10 mm का, ओके
सो 5 mm. यहां से कितना? फाइव एम एम तो ये लाइन ड्रॉ किया 5 mm की, लेकिन फिर थिकनेस कितनी है? 10 mm की. 10 mm थिकनेस मतलब 5 mm थिकनेस. पुट हियर 5. ओके तो ये लाइन इतना ड्रॉ हो गया. अभी 30 mm का क्या कहते हैं आपका सर्कल है, लॉन्ग सर्कल 30R. तो यहां पे 15 ले लेंगे, 30 का है तो कितना लेंगे? 15, 10 एंड 15. ओके सो इरेज इनसाइड लाइन. सो नाउ आवर फाइनल ड्राइंग फॉर दिस. ओके सो इधर देखिए, 45 डायमीटर का हाफ हुआ 22.5, और 22.5 को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.25. ओके सर, यस वो अच्छे से दिख रहा नहीं है, बेटा, वो थोड़ा तो ऊपर है पेपर, पेपर कैमरे ऊपर है की. थोड़ा, अभी आपको पेपर दिख रहा नीचे है है क्या? सर का। अभी दिख रहा है हाँ क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ तो अभी देखिए, आप डायग्राम सभी लोगों के पास है ना क्वेश्चन का. यस देखिए 30 का आर दिया हुआ है, मतलब रेडियस जो बड़ा, सबसे बड़ा सर्कल है वो 30 का दिया हुआ है ना. तो 30 का जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना. और 45 का आपका डायमीटर दिया हुआ है, तो 45 को अगर हम हाफ करेंगे होगा 22.5, और 22.5 को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 11.25. सो 11.25, 15 माइनस 11.25 कितना आएगा? 15 माइनस 11.25 तो ये हो जाएगा 3.75. ओके तो 3.75 mm का यहां पे एक हम की थिकनेस की ये लाइन आएगी यहां पे. और सेम थिकनेस की लाइन यहां पे रहेगी. ओके तो ये हमने मैच कर दिया.
ओके नाउ ये हमारा फ्रंट व्यू रेडी हो गया। अभी रिमेनिंग क्या है इसमें, व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली हैचेज इज रिमेनिंग। सो हम हैचेज दे देते हैं, आफ्टर हैचिंग द फ्रंट व्यू इज कंप्लीटेड। सो फाइनल ड्राइंग को मैं पेन से ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके तो अभी ये ड्राइंग देखिए, दिस इज योर फ्रंट व्यू। सेम डायग्राम मैं आपको शो करता हूं, जस्ट मिनट। हियर इज द पेज। Just wait 1 minute. Okay, I'll show you here. So you can understand what is the difference between I already given here. Yes, solution. So you can see this. One thing is left here, that is base. We have to connect the base. Yes. Okay. So, see the diagram. Okay. This is in half scale and this is in full scale. This line is very thin. So, see,
What is the difference? The difference is only full scale and half scale. The PDF which I share you, that is the full scale. And what diagram I made here in today, that is our reduced scale. So देखिए कितना डिफरेंस आ गया है. अभी ये वो पूरा पेज फिल हो गया है A4 साइज का, और इसमें देखिए आपका कितना कम स्पेस यूज हुआ है. तो जब भी हम ऐसा यूज करेंगे तो क्या कहते हैं कि हमारा स्पेस रिड्यूस हो जाएगा. ओके सो अभी इसका टॉप व्यू बनाने का है. तो टॉप व्यू बनाने के लिए सेंटर लाइन, रिक्वायरमेंट. सो सेंटर लाइन, और ये भी एक सेंटर लाइन ही है. ये एज, दिस इज अ सेंटर लाइन टू, बिकॉज यहां पे भी आपका एक सर्कल है, मींस सेमी सर्कल इज देयर. ओके सो टॉप व्यू में अभी हम ड्रॉ करेंगे. तो टॉप व्यू बनाने के लिए ये तो हमारा प्रोजेक्शन लाइन है. जस्ट वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन. ओके सो यहां पे कहीं पे भी हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं. इसका एक हमने लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और क्योंकि ये सेंटर लाइन है तो सेंटर पे सेलेक्ट करके सेंटर पे ये यहां पे जहां पे कट कर रहा है वहां पे सेंटर पे सेलेक्ट करके हम ये जो रेडियस है इतनी रेडियस लेकर के ये ड्रॉ सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया. और उसके बाद हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है यहां पे. दैट इज द इनसाइड सर्कल. फिर इस एंड पे हमको दो सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. कितने का? तो इस पॉइंट पे हमको दो सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. लाइक दिस. And now we can
मेड दिस हियर this is our top view is completed here. This is our top view which is similar to the drawing which is I shared to you. Okay, so देखिए डायग्राम एग्जैक्ट सेम आता है, आप रिड्यूस करके बनाएंगे या फिर फुल स्केल में बनाएंगे या फिर इनलार्ज करके ड्रॉ करेंगे, बट डिफरेंस क्या आएगा, द डिफरेंस इज दैट यू हैव टू यूटिलाइज द यस यस सर हम जो अभी मतलब निकाल रही है वो प्रोजेक्शंस, उनमें मतलब कौन सा हमें मतलब डार्क पेंसिल से निकालना है और कौन सा मतलब हमारे 2H पेंसिल नहीं, आपको पेन से कोई नहीं दिखाने का है, पेन से तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या कहते हैं ना कि कैमरे से अब जब आप देख रहे हैं तो आपको उतना विजुअल नहीं हो रहा है, इसलिए पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पेन से कोई ड्रॉ नहीं करना है, डार्क और लाइट ड्रॉ करना है। ये देखिए सर, वो मतलब मेरा मतलब ये है कि हाँ कौन सा मतलब थोड़ा लाइट ड्रॉ करना पड़ेगा प्रोजेक्शन और कौन सा हाँ, प्रोजेक्शन अभी ये देखिए डार्क ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो आपका सेंटर लाइन है ना, दिस इज आवर सेंटर लाइन, तो ये क्या होता है, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, एक जो आपका बिग डैश देन स्पेस रहता है देन स्मॉल डैश देन बिग डैश, तो ये ऐसे चलता है, ये सेंटर लाइन है। तो ये जो सेंटर लाइन है और ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है, ये देख रहे हैं ना, ये पूरी ऑब्जेक्ट लाइन है, ये थिकनेस दोनों की बराबर रहती है, ठीक है ना। अभी सुनिए, ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, ये यहां से हमने प्रोजेक्ट किया ना, ये लाइन, ये आपकी काफी थिन रहती है, सबसे थिन लाइन यही रहती है, ये जो प्रोजेक्शन लाइन है ये आपकी सबसे थिन रहती है। बाकी ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन इसको बोल रहे हैं, जो मैंने डार्क किया है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, तो ये डार्क में रहेगी, यानी जो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है वो डार्क में रहेगी। और फिर इसके बीच में आता है क्या, आपका हिडन लाइन, तो हिडन लाइन की जो थिकनेस होगी वो क्या कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट लाइन से कम रहेगी, लेकिन वो कैसी रहती है, डैश 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 रहती है ना, तो उसके कंपैरिजन में रहेगा। जो ऑब्जेक्ट लाइन है मतलब जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसकी थिकनेस सबसे ज्यादा रहेगी, 0.6 mm। अभी देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, अगर हमको प्रोजेक्ट लाइन ड्रॉ करना है तो वो इतना डार्क रहेगा, ये देखिए प्रोजेक्ट लाइन यानी ऑब्जेक्ट लाइन, और अगर हमको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, अब मान लीजिए इसकी थिकनेस, इसकी लेंथ हमको दिखानी है ना, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, ये बहुत ही लाइट ड्रॉ करेंगे। अभी ये देखिए इसकी थिकनेस आपको दिख रही है, बहुत ही कम है, हाँ, तो ये क्या है, ये प्रोजेक्शन लाइन है ना, इनकी थिकनेस हमेशा कम रहेगी, और ये जो डार्क लाइन दिख रही है ये है ऑब्जेक्ट लाइन, तो इसकी थिकनेस हमेशा ज्यादा रहेगी। और इधर देखिए जो हम डायमेंशन लाइन शो करेंगे उसकी भी थिकनेस बहुत कम रहती है, जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ किया और यहां पे हमने डायमेंशन रिप्रेजेंट किया, ये ऑब्जेक्ट लाइन हमें डार्क ड्रॉ करने पड़ेगी ना, और डायमेंशन ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ डार्क ड्रॉ करनी पड़ेगी ये। और देखिए एरो के लिए भी एक रूल होता है, एरो का रूल मैंने आपको बताया था,
एरो क्या होता है, ये जो एरो यहाँ पे हम बनाते हैं डायमेंशन लाइन के स्टार्ट और एंड पे, है ना, तो इसका रूल क्या होता है कि ऐसे तो जनरली मैं ऐसे बना दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो डायमेंशन एरो होते हैं, डायमेंशन लाइन पे जो एरो होते हैं उनके लेंथ और ब्रेथ में क्या रेशियो रहता है ना। तो वो देखिए कि ये आपका क्या कहते हैं कि जैसे हमको एरो ड्रॉ करना है, तो आपको बड़ा ड्रॉ करके बताते हैं। ओके, तो अगर ये क्या कहते हैं कि जो लेंथ है 1 2 3, 3 की लेंथ रहेगी, ये देखिए ये जो लेंथ है ना, ये अगर आपका 0.5 है तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये 1.5 होगी, 3 टाइम्स। अगर ये जो चौड़ाई है आपकी, दिस इज विड्थ इज 0.5, देन देयर लेंथ इज, एरो लेंथ इज 1.5, ये रेशियो रहता है, इसको हम एच 3H से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर विड्थ एच रहेगी तो लेंथ कितना रहेगा, वो 3H रहेगा। यस सर। ओके okay? सर मतलब सो हमें वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, वो लाइन हम मतलब डार्क पेंसिल से निकालेंगे, और जो डायमेंशन हमें निकालने पड़ेंगे वो हम थिक पेंसिल से निकालेंगे ना। हाँ, ठीक, पेंसिल से। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको दिख रही है, ये नंबर दिख रहा है, क्या लिखा है, यस एच, है ना, तो ये एच का मतलब क्या होता है, हार्ड, है ना, और ये देखिए ये यहां पे क्या लिखा है, एच बी, हार्ड एंड ब्लैक, ठीक है ना, तो ब्लैक का मतलब है जो ब्लैक जिसमें लिखा हुआ है एच बी वो हार्ड रहती है और ज्यादा ब्लैक लाइन ड्रॉ करती है ना, मैक्सिमम ब्लैक लाइन ड्रॉ करती है, और क्या कहते हैं कि जो आपकी एच लाइन रहती है वो हार्ड रहती है ना, इससे हमारी थिक लाइन मतलब थिन लाइन ड्रॉ होती है। अभी देखिए सेम ये मैंने इससे ड्रॉ किया, क्या है ये, एच बी है, देखा एच बी है, और सेम फोर्स लगा के अगर हम इससे ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए कौन सी डार्क है कौन सी थिक है, ठीक है ना, तो जो एच लाइन एच पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया, सेम फोर्स सेम लेंथ मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन ये बहुत ही लाइट आई है क्योंकि ये हार्ड पेंसिल से ड्रॉ किया है, एच पेंसिल से, दिस इज एच पेंसिल, कोड इज एच और दिस इज एच बी। तो इसी तरह आपका जो पेंसिल के आगे नंबर आ जाता है, एच 2H 3H, है ना, ये पेंसिल के नंबर है ना, मैक्सिमम 3H तक हम ड्राइंग में यूज करते हैं, मैक्सिमम हार्डनेस 3H, और सेम ऐसे ही जब हम फ्री हैंड ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करते हैं तो एच बी मिनिमम होता है, फिर हम 1B 2B और 3B, मींस उनकी ब्लैकनेस ज्यादा होती, बहुत डार्क हो जाते हैं, है ना, तो ये आपके नंबर पे डिपेंड करता है, जैसे आपका क्या कहते हैं कि देखिए एच बी ये पेंसिल हुई, तो ये जो एच बी हुई इधर अगर हम जाते हैं तो वो थिन लाइन क्रिएट करेगा और इधर जाते हैं तो वो थिक लाइन क्रिएट करेगा, मतलब अभी इधर क्या होगा, एच 2H 3H, और इधर क्या होगा, बी 2B एंड 3B, ठीक है ना, ये ऐसे आपका क्या कहते हैं कि ड्रॉ होता जाएगा, मींस ये आपका
इस साइड जाएंगे, बी के साइड जाएंगे, तो जो पेंसिल है वो काफी ज्यादा डार्क लाइन ड्रॉ करेगी, और ये एच के साइड जाएंगे तो जो पेंसिल है वो बहुत ही थिन लाइन ड्रॉ करेगी। तो क्या कहते हैं कि जब भी हम ड्रॉ करते हैं, तो जैसे जिन लोगों को बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो हमेशा एच बी पेंसिल ही यूज करते हैं। और हाथ का जो प्रेशर होता है ना, हाथ के प्रेशर से वो क्या कहते हैं, थिक और थिन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि आप सारी तरीके की पेंसिल यूज करें, है ना। तो क्या कहते हैं कि जिधर आपको प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है उधर आपने एच पेंसिल यूज कर लिया, है ना। जिधर क्या कहते हैं कि हिडन लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, वहां पे आपने क्या कहते हैं हिडन लाइन या सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, वहां पे आपने एच बी यूज कर लिया, एच बी पेंसिल। और जहां पे आपको ऑब्जेक्ट लाइन बनानी है, ऑब्जेक्ट लाइन, है ना, वहां पे आप बी नंबर की पेंसिल यूज कर सकते हैं, मतलब डार्कर। इनमें एच, एच बी और बी, ये क्या कहते हैं कि ये तीन पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होती है, ठीक है ना। जिधर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है, देन वी यूज एच पेंसिल। जिधर आपको हिडन लाइन, हैच लाइन, और क्या कहते हैं, मतलब ये आप सेक्शन लाइन देख रहे हैं, ये सेक्शन लाइन आपको ड्रॉ करनी है, या फिर सेंट्रल लाइन ड्रॉ करनी है, देन यू कैन यूटिलाइज द एच बी पेंसिल। एंड व्हेन यू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट लाइन, देन यू कैन यूटिलाइज द बी ग्रेड पेंसिल, मींस डार्कर पेंसिल ऑफ ऑल दीज थ्री। ओके, तो ये ड्राइंग अभी किसको समझ में नहीं आई है, एनीवन, जितने भी प्रेजेंट हैं, इस ड्राइंग में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो देन मैं आई कैन रिपीट, नो कॉन्फिडेंस। ओके, सो अभी क्या कहते हैं कि जब हम साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, साइड व्यू, तो साइड व्यू के लिए क्या करते हैं कि हमको एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं। कहां पे ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री की लाइन, वो हम ड्रॉ करते हैं टॉप व्यू के बगल में, यहां पे बिहाइंड दी टॉप व्यू 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ड्रॉ लाइन एट 45 डिग्री देखिए 45 डिग्री पे हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी सारे एजेस हैं उससे हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेना है। एकदम पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। और सेम जो आपका ये डायग्राम है इससे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक ना, ऐसे ही सारी लाइन यहां पे ड्रॉ हो जाएगी। फिर जो फ्रंट व्यू है वहां से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सारे एजेस से। ये देखिए सारे एजेस से लाइन ड्रॉ हो गई।
उसके बाद यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर आप ना, अगर आपने प्रॉपर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया है, आपने प्रॉपर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया है, देन यहां पे किसी भी तरीके का डायमेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको। जस्ट आप पॉइंट को मैच करेंगे और आपकी ड्राइंग ड्रॉ हो जाएगी। रफली मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा ये। ये देखिए, ऐसा एक ड्राइंग आपको मिल जाएगा और बहुत ही रफली ड्रॉ किया है, क्योंकि टाइम अभी लेक्चर का फिनिश हो गया है, ठीक है ना। सर ऑलरेडी मैंने ये स्केच आप लोगों को शेयर किया हुआ है, तो सर जो मैंने आंसर शेयर किया हुआ है इसमें ये जो लाइन है, देखिए ये जो वेज लाइन है, वेज लाइन इसको बोलते हैं, वेजेस इज डियर, ये बहुत ही हिडन हो गया है और जो मैंने फोटो खींचा है वो उसमें आया नहीं है, इमेज में आया नहीं है वो प्रॉपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन है आपकी इस एंड से इस एंड को मिलती हुई। हेलो सर, हाँ बोलिए अनिकेत। अब शीट नंबर 5 का पहला प्रॉब्लम दिखाएंगे क्या? अभी तो टाइम हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाते हैं, अभी कल के लेक्चर रहेगा ना, कल के लेक्चर में बनाते हैं। और सीट नंबर सर फाइव शीट का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। 4 का, सर हाँ सीट नंबर शीट फोर का नंबर 4 का भी। पहला हाँ सीट, मतलब आप फोटो रीसेंड करेंगे क्या? मतलब पूरे पेज का करेंगे क्या? वो कुछ कुछ मेजरमेंट मतलब क्रॉप हो गए हैं। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ और ड्रा फिर से सेंड करता हूँ आपको। यस सर, फोटो सेंड करिए। सिर्फ ओके ओके। सो सर वो मेजरमेंट्स भी ठीक से दिखाए, वो मेजरमेंट समझ में नहीं आते। ओके, मेजरमेंट जो है ना बेटा आपका, वो ऑलरेडी सारे मेजरमेंट आपको जो आइसोमेट्रिक व्यू है ना उसमें गिवेन हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जो डायमेंशन है उनको डार्क करके फिर से आपको सेंड करता हूँ। ओके सर, थैंक ओके यू हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? सर। नो सर।